छत्तीसगढ़ में सरकार ने 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू कर दी है और धान खरीदी से पहले एक दिन संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह ने वाचार्य ने धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया और किसान का धान तौलकर खरीदी की शुरुआत की। संसदीय सचिव ने नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने धान खरीदी केंद्र के पहले दिन ही धान खरीदी केंद्र नवागढ़ का निरीक्षण किया, जहां पर किसान के धान को तौलकर खरीदी की शुरुआत के साथ ही धान खरीदी करने वाले पहले किसानों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित भी किया। साथ ही अधिकारियों को खरीदी केंद्र पर किसानों को किसी प्रकार की भी असुविधा न होने की हिदायत भी दी। बता दें कि प्रदेश भर में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, जिसमें बेमित्रा में इस बार 102 सेवा सहकारी समिति के 123 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से जिले के 1,54,000 से ज्यादा किसानों के 1,74,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा में धान को लेकर पंजीकृत किया गया। देखिए, धान खरीदी की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है और किसानों को आज पहला दिन है, 1 नवंबर है और धान खरीदी हो रहा है। इसके लिए मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हम समय के रहते और समय से पहले धान खरीदी कर लेंगे, किसी को असुविधा नहीं होगी, पूरी तैयारी कर ली गई। आज 1 नवंबर से गवर्नमेंट धान खरीदी करा थे, ओकर गाँव के सरपंच के नाते आज पूजा अर्चना रथ हाँ करे हन और किसान के धान ला खरीदे है ना गवर्नमेंट के नाते। किसान से क्या अपील करूँ, सोसाइटी में भीड़ मत करे, ऑनलाइन और टोकन कटवाना है किसान से और सोसाइटी में आके भी किसान हम अपन टोकन आराम से कटवा सके।